तो वेलकम है आपका मेरे इस नए वीडियो में। दोस्तों आप देख रहे हैं चंदेलाकार्स। दोस्तों आज एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आपको देने वाला हूं। आखिर बहुत से ड्राइवर भाइयों को ये नहीं पता कि रात के समय जब हम चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, तो आपको अन जगह जिसमें हम पहले गए हुए नहीं है और वहाँ पर ब्रेकर आ जाता है तो आपको बड़ी प्रॉब्लम होती है और आप सडनली ब्रेक लगाते हो। इसी के ऊपर आपका एक छोटा सा मैं आपको टिप्स बताऊंगा। आप बहुत ही नॉर्मली आप इस ब्रेकर को क्रॉस कर पाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो चलिए दोस्तों हम बात करते हैं अभी प्रैक्टिकल की। अभी फिलहाल यहाँ नाइट है और मैं नाइट में ये शूट कर रहा हूँ और आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि गाड़ी कैसे आगे जाती है और कैसे ब्रेकर को हम क्रॉस कराते हैं। हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, हाँ, और बेल आइकन की घंटी को जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जरूर से जरूर मिले। तो चलिए दोस्तों अभी चलते हैं गाड़ी के अंदर। चलिए दोस्तों अभी मैं आपको रोड के ऊपर ले आया हूँ। ये लिंक रोड है दोस्तों और यहाँ पे हमें अभी ब्रेकर ढूंढना है या मिलता है कि नहीं मिलता। हमें खुद को भी नहीं पता कि यहाँ पर ब्रेकर है क्योंकि हम थोड़े से साइड में आ रखे हैं। तो यहाँ पे जैसे ब्रेकर आता रहा, आप स्पीड चल रही है आपकी 40 से 50 प्रति किलोमीटर पर हावर्स, और उस समय अचानक आपके पास ब्रेकर आ जाता है। और उस टाइम अगर आपके पास गाड़ी में 3 या 4 से पैसेंजर होते हैं और गाड़ी में वेट, अचानक ब्रेकर आ जाता है, तो आप क्या करते हैं, या तो अचानक ब्रेक लगाते हैं या फिर आप जंप करवा देते हैं। तो दोस्तों दोनों सिचुएशन में बहुत ही खतरनाक चीज होती है और वो कभी भी नहीं करना। या तो आप अचानक ब्रेक लगाते हैं तो आपको फिसलती है और ब्रेकर में जाके टच होती है और पैसेंजर को बड़ी प्रॉब्लम होती है, या आप सडनली कुदा देते हैं तो दोस्तों यहाँ पे आपका अलाइनमेंट गाड़ी में बहुत से डिफेक्ट आ सकते हैं और आपको वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो चलिए दोस्तों इसी पे हम एक ब्रेकर ढूंढते हैं और ब्रेकर पे आपको देखते हैं कि हम आपको 40 से 50 प्रति किलोमीटर हावर्स की स्पीड में ब्रेकर को कैसे हम क्रॉस करते हैं और हमें क्या ट्रिक्स वहाँ अपनानी। आप ध्यान रखें दोस्तों, सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आपका ध्यान सही है और रोड के सिग्नल आ जाते हैं कि आपको हर जगह ऐसे सिग्नल मिलते हैं कि आगे रोड ब्रेकर है या रेलवे क्रॉसिंग है, ऐसी चीजें होती है और वो आपके रोड के साइड में आपको वहां पे नजर आती है, तो आप उसको फॉलो करके आप अपनी गाड़ी की स्पीड कम कर सकते हो। लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन होती है दोस्तों, या तो आप ध्यान नहीं दे पाते या वहां पे बोर्ड नहीं लगा होता या गिर जाता है, उसकी वजह से आपको पता नहीं चलता और आप नए रोड पे आए हो कि वहां पे आपको ये भी नहीं पता कि इस रोड पे ब्रेक करें। तो आपको क्या करना है, आपकी गाड़ी स्पीड चल रही है और आप हाई बीम में चल रहे हो क्योंकि आपको कम से कम 50 से 60 मीटर तक आपको क्लियर आ रहा रास्ता कि आगे क्या आने वाला है। तो दोस्तों अभी मेरे सामने अचानक मेरे को ब्रेकर लगा कि क्योंकि अगली गाड़ी क्रॉस की है। ये बहुत बढ़िया उपाय है दोस्तों, अगर अगली गाड़ी का ध्यान रखे कि वहां पे उसने ब्रेक लिए तो वहां कुछ होने वाला है। ये मेरे सामने ब्रेकर है और मैं यहाँ पे आराम से स्मूथली ब्रेक लेता हूँ और गाड़ी को धीरे से यहाँ पे क्रॉस करवाता हूँ। तो यहाँ पे हमें न पैसेंजर को प्रॉब्लम होती है और न ही गाड़ी को प्रॉब्लम होती है और ना ही आपको झटके से गाड़ी ब्रेकर पे बंद होती है। अगर आप नॉर्मली लेते हो, अगर ब्रेक ज्यादा लगा लेते हो और आप स्पीड फर्स्ट गियर में ही आपको गाड़ी को क्रॉस कराना पड़ेगा तो वहां पे आप गाड़ी भी बंद भी हो सकती है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखें और कि आप आराम से स्मूथली वहां से क्रॉस कर सकते हैं। एक छोटा सा एक इन्फॉर्मेशन थी, मैंने चाहा कि अपने दोस्तों को ये शेयर किया जाए। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो के लिए बने रहे मेरे साथ और हाँ इस चैनल को जरूर लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिए। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।